अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल डायरीज। अच्छा दोस्तों, मुहर्रमों का महीना है और आज जो है उसी मुहर्रम के तवस्सुक से जो है हम लोग एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पर जहाँ आज हम जा रहे हैं ये ना एक बड़ी ही जिसे कहते हैं ना एंटीक जगह है। इस हवाले से कब्रिस्तान के हवाले से बड़ा एक एंटीक अपने आप में आप कह सकते हैं कि कब्रिस्तान है, और उसकी एंटीकनेस ये है कि वहाँ पर जो है आपको वहीं चल के दिखाएंगे कि वहाँ उस वो किस वजह से जो है वो यूनिक है। और जनूबी पंजाब में मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक अकेला ही कब्रिस्तान होगा जो इस लेवल पे एंटीक होगा। अब वो एंटीक क्यों है, चलें चलते हैं आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो में। एयर लॉक नहीं थी ना उस्ताद जी, सारा एक ट्रैक्टर पहले एयर लॉक थी, ये कुछ एयर लॉक ना थी सी। ये क्या मशीन है, केड़ी शादी मशीन है? फुल मशीन है, स्प्रे वाली हैवी मशीन है, फुल। वाह सही, वाह उस्ताद, ट्रैक्टर ही हैवी की थी, बताए जंगी जहाज है भैया। अमन है, अमान है, शांति है। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, ओके। लोग सारे कब्रिस्तान में आए हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम या अहले कबूर। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अपने वक्त के जो भी शाहकार थे, अपने वक्त के बड़े बड़े जागीरदार थे, वडेरे थे, आज देखें अपने आखिरी जो है आरामगाह में पहुंच गए। अल्लाह पाक ने भी जिस तरह के कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, बेशक हमने अपने रब की तरफ लौट जाना है, तो इसलिए इंसान को अपनी तैयारी हर टाइम रखनी चाहिए, किसी भी वक्त अल्लाह की तरफ से बुलावा आ सकता है। तो आपका जो है ना अपने आप को हर टाइम जो है इंसान को ये मुहासबा करते रहना चाहिए कि अगर मुझे अब बुलावा आ जाता है तो मैं कहाँ खड़ा हुआ। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात गफ़ूरुर रहीम है, अल्लाह ताला हम सब के और इन सब के जो स्पेशली इस कब्रिस्तान में हैं उन सब के सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमाए इस मुहर्रम के पाक महीने की मुहर्रम के महीने के सदक़े। और जो मेन चीज़ थी इस कब्रिस्तान के हवाले से, अब उसकी तरफ जा रहा हूँ मैं, आपको वो भी दिखाता हूँ जो यहाँ का जो एक आइकन है एक तरह से, और बड़ा मैं तो उसको जो है ना नायाब अजूबा जो है कोट करूँगा कि मेरे हिसाब से तो ये एक अजूबा ही है, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा। ये जी तुम्हारी मर्जी लाला, उठे ही खड़ा चल है। ये चेक करें जी, इसको वैसे यहाँ पर लोकल जो है वो तो ठुल कहते हैं, ठुल सराइकी में जो है ठुल आला कब्रिस्तान ये मशहूर है। ये वो ठुल है जी जो मतलब नेचुरली बना है कुदरती तौर पे। ये पहले कहते हैं बहुत ऊंचा होता था, लेकिन अब जो है आहिस्ता आहिस्ता बारिशें होती रही हैं जिस तरह, और ये आप इसकी हालत भी चेक कर सकते हैं, बारिशें होती रही हैं, बारिशों की वजह से और जो मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये छोटा होता गया, और जो है अब मतलब अभी भी काफ़ी हाइट है इसकी, लेकिन पहले इससे भी ऑलमोस्ट डबल थी हाइट। तो जी ये है नायाब यहाँ का शाहकार। बाकी मिथ्स भी इसके हवाले से बहुत हैं, इधर कोई जिन रहते हैं जी ऐसे है वैसे है, लेकिन वो मिथ की हद तक ही उसको समझें तो बस ठीक है, अदरवाइज जो है ये एक अजूबा है। ये जी
थोड़ा है खड़ा हो यार ये जी इसकी हाइट है, ये इसके अंदर गड़े चेक करें। अब ये पता नहीं किस वजह से बने हैं, कैसे बने हैं, अब ये नहीं पता, लेकिन ये मिट्टी का है, प्योरली जिसे कहते हैं मिट्टी ये कोई। अच्छा जी इसकी हिस्ट्री मुझे तो कंफर्म नहीं है, मुझे जितनी पता थी मैंने तो ऐसे ही बता दी है, बाकी एग्जैक्ट हिस्ट्री जो है वो शाहिद भाई को पता है, शाहिद भाई को पूछते हैं। हाँ सही शाहिद भाई, वालेकुम सलाम सही, सुनाओ यार इंदी क्या हिस्ट्री है वैसे? भजन गाल है कि ए मोजा सुई विहार, असल दे विच लफ्ज सुई वाव हार है। अच्छा सुई वाव हार दा मकसद ए है कि जेडी सुई नहीं होंदी सिमण वाली ते हार इंदे नाल ए ठोल इतना वड्डा है, ए जेडी मिट्टी पूरे कब्रिस्तान दी गिरी पई है एही ठोल दी मिट्टी है। अच्छा ए इतनी हाइट दे विच होंदा के उत्ते लोग मतलब के इतु चढ़वीने सीढ़ियां वगैरह दा सिस्टम है पहले दे ते उत्ते बनते लोग अगर मिसाल तौर ते जिवें कोई शादी करने दे ते उत्ते एट अ टाइम उत्ता 10 तो 15 बंदे खट रख के बैठ सकदे, इतना चौड़ा हा है। अच्छा लेकिन बारिशां दे बावजूद बारिश थींदी रही ने, मतलब के अपना जो बारिश थींदी ने तले आंदा रही मिट्टी आंदी रही, एदे को सारा ढेर लगा पे ए हींदा वे ए टोटल मट्टी ए इतनी हाइट जितना हुण खड़े तकरीबन चौथा हिस्सा भी कहने खड़ा है दा चार हिस्से उच्चा हा। और इतना एक मई बहते मतलब के सुई उंदे उत्ते बहते सुई दे नाल हार बने दी ही दी वजह तो सादा मोजा जना ए सुई व्यवहार ए मोजे दा ना। वाह सही वाह। अच्छा यो समय पाकिस्तान दे डूवन एक इथे ते एक बिया मेरे ख्याल खुशाब अली साइड दो या शादर नादर में को कंफर्म के नहीं, लेकिन डू हारन ते डूहे भी भेणी मतलब के इन हार मतलब के इतना ठुल्ला दे बनन एक ई ठोल दे बांधी भेण ते बे ऊ ठोल दे बांधी ते ए जनाब इंदी हिस्ट्री है। इतनी सारी गैदरिंग इतने लोग इतने कहने होने हैं, मतलब के जदे मुहर्रम अल हराम होंदा छोटा जिया मतलब कब्रिस्तान होंदा ते इतना स्टेज होंदा इतना वल ए सुराख दिखाओ नजर इन सुराख इन्हें सुराख दी जनाब ए हिस्ट्री के इदे तले अल्लाह पाक ने अंग्रेजों के दौर दे विच इदे तले सुने और हाल भी है। अच्छा कुछ अंग्रेज आए हैं उत्थे वीजा लवाते ते उन्होंने आख्या भाई असा इंदे च सोना कढ़े ने, उन्होंने मशीनां वगैरह चाहती होई हैं सारा कुछ, उन्होंने जिले डिठा के वाकई इंदे च मतलब के सोना शोना है गोल्ड हीरा वगैरह है ते जनाब उन्होंने कोशिश की कि इको ढाऊ असा, उन्होंने फायर मारे इको देखो कि आर पार फायर थे कड़न, लेकिन डिठा के नहीं हाली तक। अच्छा लेकिन इंदे च इतना वड़ा एक अजदा है, इतना वड़ा अजदा है इथो बैठे हो तकरीबन खानगा शरीफ सरानी सिंह दरबार दी ज़ियारत कर गिंदे हो जी जी इथों जले वेंदे ओ अंदरूने मतलब के अंडरग्राउंड भी लोग अपलोड है सारे कोल जी, और ए अंडरग्राउंड मतलब के मट्टी दे विच उन्हें अपने घर बनाए हैं ते दो दफा बंदे को टकरिया भी है सारी बस्ती दे लोग न ते एडे गिनो कि जेडे बंदे को टक्कर दे भोला थे वेंदे, और बिल्कुल एक तरफ खाला वांदा पिया नहर वांदी पई है ते बे तरफ बंदा आंदा पे कि बोरंग भी चलदा पे ते पानी की देवेंदा पे देखने वाले आदन, और बंदे सारे को जरे पागल थी चुके ने देखते उन्हें को सारे को डूहे भी एट टाइम मौजूद हैं। अच्छा उन्होंने जिन्होंने बिल्कुल सहतो को सा दिखा सकते थे बंदे भी। वाह सही पूरा बोरंग भरया या पानी दा दे गिनो के खाला जरा होंदे खाला पूरा खाला मतलब के मुंह दे विच वेंदा पिया ओए ओए एक तरफ बोरंग चलदा पे बे तरफ बिल्कुल खाली आ ते बंदा जरा पानी लावण वाला जरे बैठे सी ना कि पानी मेरा किदे गया, जिले उन्हें आते डिठे ना कि पानी तो मैं चलवा या बोरंग तो मेरा पानी किरे वेंदा पे, जिले उन्हें आते डिठे ना असदे को इतनी बड़ी भला को तो उनका दिमाग उते मेंटल थी गई छुट्टी थी गई। ओए ते को क्या थी गए? भोला थी गया मैं। भोला थी गए? भोला थी गए वे पागल आ ते को दी हाली को ज्यादा मैं देख गिदे देख गिदे देख गिदे ये दी आंख तार थी गई भजन ऐनक लाग दी रहे हैं ताकि भोला ना थी ये देखो ना आंख लाल रहंदी है अख लाल रहंदी है मेरे यार दी ते अख लाल अख तार भी है दी यार इने एंड दे आ। अच्छा जी इसी के साथ हमें दें इजाजत, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।